7 वर्षों से हम वहाँ कार्यरत हैं। भाजपा शासन काल में जब शराब दुकान का ठेका प्रथा बंद करके हम स्थानीय लोगों को भर्ती कर किया गया, उस समय से हम कार्यरत हैं। 20 मई 2024 को हमारे खिलाफ एक शिकायत की गई, जिसमें शराब में बिना होलोग्राम एवं मिलावट करके विक्रय की जा रही है करके। शिकायत की जांच स्वयं अधिकारियों के द्वारा की गई, जांच में हम लोग निर्दोष पाया गया, उसके बावजूद हम लोग को हटा दिया गया है। अब मांग क्या है आपकी? हम अधिकारियों के द्वारा हम लोग को क्लीन चिट दे दी गई है, उसके बावजूद भी हम लोग को हटा दिया गया है। हमारी मांग ये है कि जब हम लोग निर्दोष पाए गए हैं, उसके बावजूद हमको 10 से 15 दिनों में आश्वासन देकर हमको हटाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि पुनः हम लोग को सभी को वापस रखा जाए। जब तक ये जो पीड़ित परिवार यहाँ सब परिवार हम अनशन अनशन में बैठे हैं, छोटे छोटे दुधमुहा बच्चे को लेकर, और इन लोगों को काम से हटाने पर आर्थिक मानसिक रूप से भरण पोषण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और बता दूं, सभी बीपीएल परिवार सर्वे गरीबी रेखा सूची के तहत आते हैं परिवार लोग। तो हमारी मांग है तत्काल आबकारी विभाग प्रशासन पहल करें, इन लोग को वापस बुलाएं और तत्काल कल से काम में इन लोग को वापस बुलाएं। को बताना था जो ये नहीं बताए थे। हमने कहा ऊपर बात किया, मैंने ऊपर अधिकारी से बात किया तो बोले एक आवेदन ले लेना, हम उनका जो वो है जो इनको ब्लैक लिस्ट किए हैं वो हम इनको फ्री कर देंगे उससे। हाँ, लेकिन अब चूंकि उनके बदले दूसरे लग गए हैं तो एकदम से नौकरी अभी दे दो करके ये लोग नहीं माने अभी, और मैंने इनको आवेदन देने भी बोला है कि आप आवेदन दे दीजिए, मैं ऊपर आपके तरफ से आपके फेवर में ये लिख दूंगा कि भाई इनका गंभीर अपराध नहीं था, ये एक मानवीय त्रुटि थी जिसको इतने लापरवाही से बेचा था, जिससे हटाया गया था।